करनाल NH1 हाईवे पर कमपुरा के पास डेरा सच्चा सौदा नाम चर्चा घर में आज संत बाबा राम रहीम जी का इंसा का अवतार दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगत ने पहुंचकर गुरु जी की लंबी उम्र की कामना की और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। नाम चर्चा कर डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता ने बताया कि गुरु जी द्वारा हमें संदेश दिया गया है कि जो सामाजिक कार्य चलाए जा रहे हैं उनको और गति देनी है ताकि मानवता की भलाई के कार्य किए जा सके। इस मौके पर मैसेंजर ऑफ गॉड MSG जो जीवन उपयोगी कार्यक्रम राम रहीम द्वारा चलाए गए थे उनकी लॉन्चिंग भी इस अवसर पर की गई और संगत में आह्वान किया गया कि गुरुजी द्वारा जो मार्ग संगत को दिया गया है उसको मानवता के हितों में लाएं। उन्होंने कहा कि गुरुजी द्वारा गरीब कन्याओं का विवाह, वैश्याओं की दोबारा शादी करके मुख्य धारा में जोड़ना, पौधारोपण करना, सफाई अभियान चलाना आदि मुख्य कार्य हैं जो कि बाबा राम रहीम जी इंसा के जेल में जाने के बाद भी निरंतर जारी है और संगत बढ़ चढ़कर मानवता के कार्यों में भाग ले रही है। इस मौके पर गरीबों में दिए जाने वाले मासिक राशन वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत बाबा जी के अवतार दिवस पर जरूरतमंद गरीब परिवारों को राशन वितरित किया गया। यहाँ हम आपको बता दें कि बाबा राम रहीम जी इंसा के जेल में जाने के बाद लोगों का नाम चर्चा घर में आना लगभग ना के बराबर हो गया था, परंतु बड़ी संख्या में संगत ने पहुंचकर बाबा जी के अवतार दिवस पर उनके द्वारा दिए गए मानवता के कार्यों को याद किया और सभी को साथ लेकर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर 14 अगस्त को बड़े स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण कार्यक्रम का अभियान चला जाएगा जिसमें संगत द्वारा लाखों पौधे लगाकर लोगों को पेड़ पौधों के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर संत बाबा राम रहीम द्वारा मैसेंजर ऑफ गॉड फिल्म में बने धार्मिक गाने भी संगत को सुनाए गए जिस पर संगत झूम उठी। अवतार दिवस के बारे में बताइए। मुझे हजूर महाराज संत गुरमीत राम नेम सिंह जी इंसान पूर्ण आज ये जो 15 अगस्त का जो महीना है अगस्त का ये पूरा साथ संगत देश में और विदेशों में पूरे हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाती है और 14 अगस्त को पौधारोपण किया जाएगा हजूर महाराज जी के अवतार दिवस की खुशी में और बहुत सारे 15 अगस्त को ही बहुत सारे पौधे लगा करके सात संगत ने विश्व रिकॉर्ड पूज्य हजूर महाराज जी की रहनुमाई में बनाया जी। आज क्या कार्यक्रम है? आज करनाल की सात संगत हजूर महाराज जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रही है। आप देख रहे हैं चारों तरफ खुशियां हैं जी। गुरु के साथ संगत का दृढ़ विश्वास यूं का यूं है, तस्य मत सात संगत नहीं हुई। आज भी आप देख रहे हो सैलाब उमड़ के आया है सात संगत का, तो आज वो अवतार दिवस गुरु जी का मनाया गया है। तो क्या क्या किया गया? कोई राशन भी दिया गया? हाँ, दीन दुखियों को राशन भी यहाँ पे बांटा गया है। जो परिवार असमर्थ हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन परिवारों को सात संगत की तरफ से राशन वितरित किया जाता है हर नाम चर्चा पे। मानवता भलाई के जो कार्य चल रहे थे उनके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, मानवता भलाई के जैसे गुरु जी ने वेश्याओं से शादी करना और मतलब किसी की बेटी की शादी अगला नहीं कर सकता तो उसकी शादी करवाना, गरीबों का इलाज करवाना, पेड़ पौधे लगाना, ये सारे मानवता भलाई के 134 14 तारीख को पेड़ पौधे लगाने का आपने ऐलान भी किया और पिताजी ने जो बताया है जी, जो रिकॉर्ड भी बना रखे हैं उन्होंने, तो उसके बारे में बताया। ये 14 तारीख को जो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे सारी सात संगत पेड़ पौधे लगाएगी, उनकी संभाल भी करेगी और ये पूज्य गुरुजी ने ही हमारे को शिक्षा दी, नहीं तो हमारे को इन बातों के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था। पहले तो अंधकारमय थे हम, पर गुरुजी ने जब से हमारे को अपने चरणों से जोड़ कर ये बातें बताई, भाई ऑक्सीजन तो पौधे ही देते हैं, इनकी संभाल करना, इनको पौधे लगाना, ये गुरुजी से ही हमारे को शिक्षा। क्या किया जाएगा उस दिन? पौधारोपण किया जाएगा, सुबह 9 बजे सारी सात संगत पेड़ पौधे लगाएगी। हाँ, आप अपने कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है जी? कितने पौधे लगेंगे? लक्ष्य तो हमारा अभी लक्ष्य तो लाखों में लगेंगे पौधे तो, पर टारगेट तो जो अचीव करेंगे वो आपको सच्चाई बताएंगे। कहीं ना कहीं सरकार का भी जल ही जीवन है और पौधारोपण का टारगेट है जी, तो उसमें भी आप सहभागिता निभा रहे हैं जी। बिल्कुल, जो सरकार ने मुहिम चलाई है उसमें भी हम साथ हैं। बिल्कुल, गुरु जी ने भी साथ दिया है और गुरु जी ने भी यही वचन किए बेटा, हमने तो सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि संतों के तो सभी बच्चे होते हैं, सारी दुनिया उनके शिष्य है,
उन्होंने बनाना है सभी को मानवता भलाई के अच्छे काम करने के लिए ही संत इस दुनिया में आते हैं। यहाँ के अलावा कहाँ कहाँ हो रहे हैं आज अवतार दिवस के कार्यक्रम? अवतार दिवस आज तो यही मनाया जा रहा है। क्या नाम आपका पूरा जी? मेरा नाम शमशेर सिंह इंसा है। साध संगत में कितना विश्वास है आज भी? साध संगत हाँ, साध संगत में। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।